ग्वालियर की बात करेंगे, जहां राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान आया। उन्होंने कहा कि मुझे आज बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में वोट डालने में गर्व महसूस हो रहा है। पीएम मोदी जी के नेतृत्व में देश और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश निरंतर विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। तो ये कहना ज्योतिरादित्य सिंधिया का कि आज बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में वोट डालने में गर्व महसूस हो रहा है। कि इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मुझे आज अपना मत का प्रयोग करने का अवसर मिला है और मुझे पूरा विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश दोनों विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे। तो गर्व महसूस हो रहा है वोट डालने में बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में, ये कहना ज्योतिरादित्य सिंधिया का। लगातार प्रचार प्रसार में ज्योतिरादित्य सिंधिया लगे रहे और देखा जाए तो ये उपचुनाव कहीं ना कहीं सिंधिया की साख से भी जुड़ा हुआ है।